गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज है संडे और आपको पता है संडे राइड तो बनती है। और अगर आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं, टाइम हो गया है 5:19 अगर आप देख सकते हो तो। 5:30 बजे का मीटअप है और मैं आज टाइम से घर से निकल रहा हूँ, तो थोड़ा सा बाइक को वार्म अप देते हैं। आज फिर गालियाँ पड़ेगी। यही ना बना देंगे व्लॉग, नाम नाम देंगे। लेट आया, लेट, बहुत लेट भाई। सॉरी सर भाई, 40 किलोमीटर से आया हूँ, प्लीज माफ कर दो। तो गाइस ये है बाइक्स का लाइनअप, ON5 V3, CBR, डोमिनार, CBR, 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 अगेन CBR, FZ, डोमिनार। तो दो डोमिनार है और एक हायाबुसा है रोनी भाई की, और एक है ड्यूक 390। इसको तो जानते होगे, ये वही है। और मेरे को ये नहीं पता यार कि वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी माइक लेके लगाया। अगर वॉइस नहीं आई ना, मैं वॉइस ओवर करके आपको ये क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा भाई, उसका जिम्मेदार ये होगा। वॉइस नहीं आई तो अभी सीन देखते भाई कैसा है। अगर वॉइस आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती है तो आगे जाके देखेंगे यार। यहाँ पे तो वॉइस ओवर कर दूँ, बट आगे फिर मैं सोच रहा हूँ म्यूजिक लगा दूँ अगर वॉइस नहीं आती है तो। एंड हेयर इज द हायाबुसा भाई, ब्लैक कलर में कितनी सेक्सी लग रही है ना। एंड स्टोक एग्जॉस्ट लगे हुए भाई ने, स्टोक लगा रखे जो इसके आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इन्होंने लगा रखे थे, पता नहीं कौन से ब्रांड के थे, तो उनमें आ गया था कार्बन, तो वो होंगे रिप्लेस। थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता है ज़्यादा बड़े ग्रुप में, और अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रुप में राइड कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा संभल के करना, क्योंकि ग्रुप में राइड करना इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अदर राइडर्स की भी। अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे अगर कोई मान लो पोर्टहोल वगैरह है या स्पीड ब्रेकर है या कोई भी इशू, देखो बूसा का फ्लाई बाय भाई, एंड भाई साहब स्टोक एग्जॉस्ट में साउंड ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, वो तो फिर मजे वाली बात नहीं है यार। आज पहली बार हमें ये सीखने को मिला है कि बूसा गई पता ही नहीं चला। बस मेरे अपने रोनी भाई की थी, पहचान ली, साइड में गई थी तब तो आफ्टर मार्केट आ गए, देखो अब वो जा रही बूसा वगैरह साइड में, उस साइड गई है तो उनका साउंड अलग ही था। तो अभी क्या सीन होगा समझ गए ना, ये है DLF साइबर सिटी, तो यहाँ पे जो कर्व्स है उन पे लीन करने का क्या मज़ा आएगा यार। अभी मतलब यहाँ पे ना राइडर्स को कीड़ा, जो अंदर का कीड़ा होता है ना वो जग जाता है भाई। अब देखो भाई साहब, एंड रोनी भाई दे दो एक फ्लाई भाई यार भूसा का अच्छा सा। आज
आशीष ने कितनी अच्छी लीन करी है बाइक भाई, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ लीन करना अच्छे से। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लीन कर लेता हूँ, बट जैसे कि नी टच करना होता ना, वो मैं सीख रहा हूँ अभी। धीरे धीरे भाई इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। एंड भाई साहब यहाँ पे अगर उस बाइक में भूसा में एक दोस्त होते तो मज़ा ही आ जाता। ये है अपना GFR यानी गुड़गांव फरीदाबाद रोड, थ्रोटल श्रोटल भी इसी रोड पे पड़ता, तो बाइकर्स के लिए हेवन। भाई साहब इस रोड पे मतलब बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, बट अब रोड की कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि पोर्ट होल्स वगैरह काफ़ी हो गए हैं, और पोर्ट होल्स से मुझे इतना डर लगता है जितना कि मेरे को गोली से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ अब काफ़ी टाइम सीन हो चुका है 2-3 बार। और अभी अभी एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो कोई वैसे राइडर तो था नहीं, गांव का था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया पोर्टहोल की वजह से, एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई क्योंकि सामने से आ रहा था ट्रक, और जैसे ही बाइक की बाइक गिरी तो ट्रक ऊपर से निकल गया। तो पोर्टहोल से मेरे को इतना डर लगता भाई, बस क्या ही बताऊँ आपको यार। और देखते कहाँ पे हमें जगह मिलती है बाइक को लगाने की, वो रही ना सामने। एंड बाइक चल चुकी है 704 किलोमीटर। तो हम लगाएंगे इधर। सो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और ब्रेकफास्ट हो गया भाई, काफी पेट भर गया आज तो। ओ भाई विली, व्हाट ए विली। Yeah.
हम वापस आ गए हैं अपने मीटअप पॉइंट पे, और अभी का प्लान ये है कि राइड अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी आगे और भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं, क्योंकि आज रोनी भाई का बर्थडे है एंड जो ललित भाई है वो जा रहे हैं आई थिंक इलाहाबाद, तो इस वजह से भाई हमें मतलब आज उनके साथ करना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड। तो ग्रुप के कुछ मेंबर्स जा चुके हैं, बट ये लगा लो कि 75% मेंबर्स तो अभी भी हैं, तो 3-4 बंदे जा चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं एक मतलब ऐसी साइलेंट सी लोकेशन जहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो वहाँ पे जाके कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी है और इंस्टाग्राम के लिए समझ सकते हो फिर फोटो वगैरह शूट करना है। तो लगा देते बाइक उसको साइड में। तो गाइस अभी निकल रहे हैं और काफ़ी राइडर्स घर जा चुके हैं, बस हम रह गए हैं, और वीडियो शूट वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया था भाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनके पास रुक गया। तो अभी जा रहे सीधे घर, एक बार KTM में कुछ काम है आशीष को, अपने डोमिनार के लिए ये नकल गार्ड के स्पेसर्स लेने हैं, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे। फिर मैं, ललित और एक भाई और है ये, तो हम जाएंगे सीधे अपने घर की तरफ, क्योंकि ये भी वहीं पे उसी साइड रहते हैं,